on behalf of Indo-Pak congregation and executive committee, I would like hereby to welcome His Excellency Dr. Zahoor Ahmed और आप जितने भी बाकी टीम के मेंबर हैं वैसे में काम करते हैं, आप बहुत बहुत वेलकम हैं यहाँ पर। और मुझे ये कहने दीजिए कि डॉक्टर ज़हूर अहमद जो हैं वो एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। मैंने जब इनके बारे में देखा थोड़ा तो वो ही इज़ नॉट ओनली मेडिकल डॉक्टर, वो एक वकील भी हैं, उन्होंने लॉ किया है इंग्लैंड से, इसके बाद उन्हें जो है वो फ्रेंच ज़ुबान जो है उस पर भी महारत हासिल है, इसके बाद वो MBA भी हैं। तो एक ही पर्सनैलिटी में इतने सारे जो रूप हैं वो छुपे हुए हैं और ये हमारे लिए स्टूडेंट की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज से पहले लास्ट ईयर भी अम्बेसडर साहब यहाँ पर मौजूद थे अपनी टीम के साथ से जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं। ये रवायत डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कायम की है कि वो मसीहों के त्यौहार में हमेशा जो है वो बग़ैर बुलाए खुद उसमें शामिल होते हैं अपने इनिशिएटिव पे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू किंगडम ऑफ स्वीडन एंड लाइकवाइज रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड, ये आपकी इज़्ज़त हमारे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मिनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम पाकिस्तानी मिनॉरिटी नहीं हैं बल्कि हम एक रिलीजियस मिनॉरिटी हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज वी आर जैसे कि बाकी के सब पाकिस्तानी हैं वैसे ही हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितनी हमारी अक्सरियत मुस्लिम भाई हैं उतनी ही अक्सरियत हम हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमें अपनी इज़्ज़त से नवाजते हैं कि आप यहाँ पर हाजिर होते हैं हमारे साथ। खुदावंद आपको आपके मिशन में यहाँ पर स्वीडन में भी और फिनलैंड में भी इसी तरह से आपको इस्तेमाल करता रहे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी हमारी कम्युनिटी में से हमारे लोगों में से किसी को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तानी एम्बेसी में किसी भी काम के लिए, तो वैसे तो नॉर्मली सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी एमरजेंसी हो तो डॉक्टर साहब और जितने भी लोग यहाँ पर दूसरे मौजूद हैं वो हमारी ज़रूर मदद करते हैं, चाहे वो हॉलीडेज हों, चाहे एम्बेसी बंद हो, चाहे रात का टाइम हो, यू नो एवरीबॉडी के भी सम टाइम हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वीज़ा लगवाने के लिए। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं एम्बेसी के सारे पर्सनल्स के लिए और एम्बेसडर साहब आपके लिए। थैंक यू सो मच।